ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन की लखनऊ इकाई की ओर से एक वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और OICOA लखनऊ इकाई के लिए नई कार्य समिति का भी चुनाव किया गया। सर, आज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, क्या कुछ खास मुद्दे थे जिस पर आज बात की गई? इस समय जो पोजीशन चल रही है हमारी कंपनीज की, इंडस्ट्री की, उस बारे में गहन चर्चा हुई है। मर्जर ऑफ थ्री नेशनलाइज कंपनीज, उसके बाद हमारे जो NPS पे उसको पेंशन में लाने का है, 14% MTPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और फैमिली पेंशन में अपडेशन है, ये सारे इश्यूज बड़ी चर्चा हुई। और कंपनी की जो पोजीशन है इस समय और जो नए KPI पर नए नए डिसीजंस आ रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ है। और इसके जो मुद्दे थे, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे ऑपरेटिंग ऑफिस फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम इस मैनेजमेंट से मीटिंग करेंगे और ये सारे इश्यूज़ को बड़ी गंभीरता से इनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजमेंट से बात करें। काफी टाइम से संघर्ष कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ला दिया गया, लेकिन इसका कोई रोड में कोई डायरी नहीं है। बस एक तरह का हमारे कर्मचारियों पर थोप दिया गया कि प्रभारण बेस पे होगा और उसके लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध कराया। ये कोई भी बात अनप्लान किया गया है, एक केवल हमारे एक तरह का इस हमारे संस्था को बंद कराने का पूरा तैयारी है। KPI के विरोध में आगे का क्या भविष्य की रणनीति है? हमारे ऑल इंडिया के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, निरंतर इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वो इसके ऊपर योजना बना रहे हैं। जैसा वो प्रोग्राम देंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। 2024 को लेकर कोई पहले बात हो सकती है सरकार से? हाँ, होनी तो चाहिए। इसके पहले निश्चित रूप में सरकार हम लोगों को बुलाएगी, क्योंकि इश्यूज ऐसे हैं कि ये जो साधारण बीमा कंपनियाँ हैं, तो जिस तरीके से आप देखें और आपकी मीडिया में है, तो आपको नज़र ये कि मुख्यमंत्री बीमा योजना जो हम लोगों ने पूरे यूपी में कवर करा था, जिसमें जिसमें हमारे 5 लाख से ज़्यादा लोग कवर थे, और अभी जो है फसल बीमा योजना का चल रहा है, ये ऐसी कुछ स्कीमें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मियों ने सर्वाइव कर सकती है। जिसमें ऐसा हुआ है कि पहले कंपनियों ने ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स को अडॉप्ट किया और अडॉप्शन के साथ साथ बीच में ही कुछ सेक्टर या कुछ कस्टम उन्होंने छोड़ दी थी। तो सिर्फ हम लोग ही हैं जो भी सरकारी कंपनी है, जो कि हम लोग ग्राउंड और ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर के सरकार की सेवा, सरकार की स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हम लोग बेटर सेवा कर पाए। समथिंग टेल अबाउट टुडेज मीटिंग, जो आज एनुअल मीटिंग हुई है आज, इसके बारे में। या टुडेज मीटिंग लखनऊ गया हुआ कॉल फॉर ऑल दी मेंबर्स हियर, सो वी हैव टेकन दी व्यूज ऑफ दी मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस विल बी पास्ड हियर टू टेक केयर ऑफ दी दिस मर्जर एंड गेट दी इम्प्लीमेंटेशन। सो आफ्टर दिस लंच विल बी गोइंग विद दी रेजोल्यूशंस। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।